हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 4 दिसंबर, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑन विच डे नेवी डे इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो कौन सी डेट को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं जी? टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, करेक्ट आंसर होगा इसका 4 दिसंबर, यानी कि आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेवी डे। ओके, एंड थीम फॉर दिस ईयर 2019 इज इंडियन नेवी साइलेंट स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, 4 दिसंबर की डेट आपको याद रखनी है। नेवी डे तो आपको पता होना चाहिए, साथ साथ एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को करते हैं हम ऑब्जर्व, एंड उसके बाद इंडियन आर्मी डे ऑफकोर्स यू नो 15th of January। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, 4 दिसंबर की डेट आपको याद रखनी है, हमारे नेवी के चीफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह उनका नाम याद रखना है, वाइस चीफ का नाम भी आपको याद रखना है जी अशोक कुमार। ओके, जी अशोक कुमार उनका नाम याद रखना है। एंड अबाउट एयरफोर्स का भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, एयरफोर्स के भी अभी न्यू चीफ बने आरकेएस भदौरिया, एंड वाइस चीफ भी न्यू बने एयरफोर्स के एचएस अरोरा। एंड अब आर्मी की बात करें, आर्मी के चीफ हमारे जनरल बिपिन रावत, एंड वाइस चीफ हैं एमएम नरवाने। जनरल बिपिन रावत की बात की, हमारी कंट्री के फर्स्ट CDS भी वो बनने वाले हैं इन दिसंबर मंथ, इसी मंथ में वो बन जाएंगे, एंड इसी मंथ में वो फ्रॉम द पोजिशन ऑफ आर्मी चीफ रिटायर भी हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है, 4 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर में 1 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हो चुका है, वर्ल्ड एड्स डे, वो आपको याद रखना है। ओके, एंड नागालैंड स्टेटहुड डे भी 1 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया गया था। BSF ने अभी हाल ही में अपना 55th रेजिंग डे भी 1 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया। तो ये सारी डिटेल्स आपको 1 दिसंबर की भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज़ वॉन अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019। मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं जिन्होंने ये जीत लिया है, एंड इनके करियर का 84th टाइटल एंड 11वां यानी कि 11th ऑफ दिस ईयर इनका नाम है। आई होप इतनी मैंने आपको गैस दी तो यू कैन ईजिली गैस दिस, करेक्ट आंसर इज लिवाइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं, रिसेंटली द 20th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाउ यू हैव टू, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इट इज़ सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कौन सी इंडियन स्टेट में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिस स्टेट ने 1 दिसंबर को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ओके, अबाउट द स्टेट, कोहिमा इज द कैपिटल एंड निफाऊ राव इज द CM ऑफ नागालैंड। ओके, नेक्स्ट करते हैं, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आप सबके लिए, लास्ट 6 मंथ के 1000+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम जून टू नवंबर 2019 आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर SSC का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर फॉर श्योर यू हैव टू डू। विद द हेल्प ऑफ दिस PDF आप अपना करंट अफेयर सेक्शन बूस्ट कर सकते हो, आप इसे परचेज कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इन जस्ट 69 रुपीज़ आप इससे परचेज करके अपना करंट अफेयर सेक्शन बूस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को यूनाइटेड नेशन इसे ऑब्जर्व करता है, ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, एंड द थीम फॉर दिस ईयर 2019 इज प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड देयर लीडरशिप टेकिंग एक्शन ऑन 2030 डेवलपमेंट एजेंडा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, 13th साउथ एशियन गेम्स बिगेंस इन काठमांडू नेपाल। ओके, तो इसकी शुरुआत हो गई है जी, 13वां एडिशन है, एंड इसे जो स्टार्ट किया गया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड दशरथ स्टेडियम इन काठमांडू नेपाल। ओके, इसमें बाकी आप इसमें कंट्री के बारे में आप बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बाकी डिटेल्स भी इसमें मिल जाएंगी आपको कि कितने इसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, जो प्रेसिडेंट हैं नेपाल की, वो हैं विद्या देवी भंडारी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नंदा बहादुर पुन, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज KP शर्मा ओली, एंड कैपिटल सबको पता है काठमांडू। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेशनल वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च अंडर मिशन इंद्रधनुष 2nd। सो इसे लॉन्च किया गया अक्रॉस द कंट्री, देखो एक साल के लिए लगभग चलने वाला है, दिसंबर अभी शुरू हो गया है, मार्च 2020 तक चलेगा, 27 इंडियन स्टेट्स में लाइक ये इसको पूरी तरीके से किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा, ताकि अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 2 साल के बच्चे, ठीक है,
दो साल के बच्चे एंड जो प्रेग्नेंट वुमेंस को अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें जो डिजीज़ कवर की जा रही हैं, जो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही हैं फॉर डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टेटनस, पॉलीमाइलिटिस, टीबी, मीजल्स, मैगिनगिट्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो इनके अगेंस्ट जो भी ये वैक्सीन हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट 27 इंडियन स्टेट्स। ओके 27 इंडियन स्टेट्स एग्जैक्टली आपने सही सुना, जम्मू एंड कश्मीर नाउ बिकेम ए यूनियन टेरिटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 31st अक्टूबर 2019। सो जो इंडियन स्टेट्स हैं वो है हमारी 27। ओके एंड 2020 मार्च तक इसे चलाया जाएगा। देन उसके बाद हॉलमार्क टू बी मैंडेटरी फॉर गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स। अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया, हॉलमार्क्स अगर आप गोल्ड वगैरह लेते हैं देन इट्स मैंडेटरी की विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 21। ओके 2021 तो आप गोल्ड परचेज करें, मेक इट श्योर कि उसमें हॉलमार्क ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। ओके तो ये पॉइंट आपको याद रखना, गोल्ड हॉलमार्किंग इज़ अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रीशियस मेटल। तो मैंडेटरी कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 15th जनवरी 2021। ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन टू इंपोर्ट 11,000 मीट्रिक टन ऑफ ओनियन फ्रॉम टर्की। अब आपको पता है कि प्याज के दर, प्याज के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अराउंड 80-100 केजी पर किलो मिल रहा है। तो इस वजह से MMTC यानी मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया कि 11,000 यानी कि 11,000 मीट्रिक टन ऑफ ओनियन को हम इंपोर्ट करेंगे, लाइक हम अपनी कंट्री में लाएंगे फ्रॉम टर्की। ओके तो कई बार एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा कि कहाँ से, कौन सी कंट्री से हमने लिया, सो दिस इज़ फ्रॉम टर्की। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके सो एक क्वेश्चन आप सबके लिए, ये आपने मुझे बताना है, ऑन 1st दिसंबर 2019 BSF हैज सेलिब्रेटेड इट्स विच रेजिंग डे। तो कौन सा रेजिंग डे 1st दिसंबर को सेलिब्रेट किया BSF ने, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ओके BSF की एस्टैब्लिशमेंट भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ज़रूर लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।